All right. Today we are to discuss the evaluation of the stack expression. Okay. Conversion we have done. Now I proceed towards the evaluation type questions. The question is, evaluate the following expression. 60, comma 6, comma divide, comma 5, comma 2, comma star, comma 5, comma minus, comma plus. 60, comma 6, comma divide, comma 5, comma 2, comma star, 5 minus and plus. Yeah. So here in the evaluation question, I told you that in stack you can have two type of questions, conversion and evaluation. You have to read the word. Which word is written in your set, conversion or evaluation? Accordingly, the table, accordingly, the question will change. The way to do the question will change. Okay. Draw the table over here. Right. Give the heading here. Serial number or simple write symbol scanned. Right. Action taken. Stack. Intermediate output. Right? Am I clear? So, ye aapki headings hain. Right? Ab inke upar main black color chala raha hoon. All right. Now, in the case of evaluation, you don't have to put the brackets. Aapne koi aise bracket nahi lagane. You are not to put any bracket. Simply, aap jaise question hai, waise hi shuru karoge. Jaise question diya hai, waise shuru karoge. Okay? सबसे पहले है 60. एक्शन टेकन पुश इन स्टैक. तो 60 मैंने पुश कर दिया. ओके. राइट. और 60 के नीचे एक एरो लगाना है. Arrow I take from here. Yeah. And I give some color to this arrow so that it is clearly visible to you. Okay. Format, you can shape fill. Meru. Is the arrow visible to all? मैंने ये जो arrow place किया है, arrow का role क्या है? Arrow will play a major role in this question. When you will attempt this question in the answer sheet, you have to draw the arrow. You have to draw the arrow.
एरो उस एलिमेंट के नीचे होगा जो टॉप पे पड़ा है. एलिमेंट विल बी प्लेस्ड अंडर दैट एलिमेंट टू विच टॉप इज पॉइंटिंग, जो टॉप पे पड़ा है. अभी सबसे पहले 60 एलिमेंट आया. 60 इज द फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट, तो 60 ही टॉप है, तो एरो 60 को पॉइंट कर रहा है. राइट, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एलिमेंट 6, पुश इन स्टैक. व्हेनेवर यू विल हैव नंबर्स 2, 3, 4, 10, 20, वट एवर नंबर यू आर हैविंग, ऑलवेज राइट पुश इन स्टैक. तो पहले 60 था, अब आ गया सिक्स. तो आई एम क्रिएटिंग द कॉपी ऑफ दिस एरो एंड एरो विल बी पॉइंटिंग टू 6. ओके, एरो 6 को पॉइंट करेगा, टॉप पे 6 पड़ा हुआ है. राइट, देन यू हैव डिवाइड. अब आ गया ऑपरेटर, अब आ चुका है ऑपरेटर. नाउ यू हैव टू चेक वेदर इट इज यूनरी ऑपरेटर, वेदर इट इज बाइनरी ऑपरेटर, अकॉर्डिंगली यू विल टेक एक्शन. अब डिवाइड प्लस मल्टीप्लाई और माइनस, ऑल दीज फोर ऑपरेटर्स दे आर बाइनरी ऑपरेटर्स. बाइनरी से मेरा मतलब क्या है, दे नीड टू ऑपरेंड्स. प्लस के लिए आपको दो नंबर चाहिए, मिनिमम दो नंबर चाहिए. माइनस के लिए मिनिमम दो नंबर चाहिए. मल्टीप्लाई के लिए मिनिमम दो नंबर चाहिए. Same is for divide. So you will write here binary operator pop twice का मतलब है आपके stack में जितने elements पड़े हैं उसमें से दो pop कर दो. अभी मेरे पास दो element है, 60 और 6. तो 60 और 6 को पॉप करके उन पे ये सिंबल चला दो. दो एलिमेंट्स को पॉप करके जो भी ऑपरेटर है वो ऑपरेटर उस पे परफॉर्म कर दो. 60 डिवाइड बाय 6 10. अगर ये पॉइंट किसी को समझ में नहीं आया तो द चाइल्ड कैन रेज द हैंड. Is it clear to all? अब यहां पर एक बात का ध्यान रखना, एलिमेंट पॉप करते वक्त ये टॉप पे पड़ा, ये एलिमेंट टॉप पे है जिसको एरो पॉइंट कर रहा है. The element which is lying before the top will be written first. ठीक है, जैसे 60 और 6 है तो 60 पहले लिखना है, 6 बाद में लिखना है. अगर यहां पे 6 होता और यहां पे 60 होता तो यहां पे आता 6 डिवाइड बाय 60. तो ये फ्रैक्शंस में आंसर आता आपका. एम आई क्लियर? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जब भी गड़बड़ होगी इसी पॉइंट पे गड़बड़ होगी आके. ओके, सो दिस इज 60 एंड दिस इज 6. तो ये हो गया 60 डिवाइड बाय 6, दैट इज 10. अभी रुको जरा, कैलकुलेट एंड पुश बैक द रिजल्ट. तो 10 आपने पुश किया और एरो डाल दिया यहां पे. कैलकुलेट एंड पुश बैक द रिजल्ट. जो भी ये रिजल्ट आया उसे दोबारा
स्टैक के अंदर पुश करवा दिया और एरो अब उसको पॉइंट कर रहा है क्योंकि टॉप पर 10 पड़ा है. ओके राइट. नेक्स्ट इज 5 पुश इन स्टैक 10.5. क्लियर. नेक्स्ट इज 2 पुश इन स्टैक 10.5.2. तो 2 को टॉप पे पॉइंट करवा दो. नेक्स्ट आ गया मल्टीप्लाई. नाउ मल्टीप्लाई इज अगेन द बाइनरी ऑपरेटर. बाइनरी ऑपरेटर पॉप ट्वाइस. जब पॉप ट्वाइस किया तो कौन कौन से एलिमेंट यहां पे आएंगे? रेज योर हैंड. आपने कहा पॉप ट्वाइस, अब कौन से दो एलिमेंट पॉप होंगे? यस सनविंदर. 5 and 2. या वेरी गुड. 5 and 2. तो 5 into 2 = 10. अंदर रह गया 10. अंदर सिर्फ 10 रह गया था क्योंकि 5 और 2 पुश हो चुके थे. कैलकुलेट एंड पुश बैक द रिजल्ट. ओके तो मैंने फिर इसको पुश करवाया. ठीक है, 10 पुश करवाया दोबारा, ये आ गया. ठीक है, 10.10. राइट, आगे बढ़ते हैं. आगे है 5 पुश इन स्टैक. 10 पहले था, 10 बाद में आया, फिर 5 आया. राइट, क्लियर है? तो ये हमने पुश किया इसको. राइट, उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा माइनस. माइनस इज अगेन बाइनरी ऑपरेटर. पॉप ट्वाइस. तो 10 अंदर 10 रह गया, यहां आ गया 10-5 = 5. टॉप 5 को पॉइंट कर रहा है ना, टॉप 5 को पॉइंट कर रहा है यहां पर. आगे आ गया माइनस. माइनस का मतलब है बाइनरी ऑपरेटर, 2 पॉप होने तो टॉप से पहले क्या पड़ा है 10, तो 10 को पहले लिखना है. अगर यहां होता 5.10 और एरो 10 को पॉइंट कर रहा होता तो यू वुड हैव रिटन 5-10, तो आंसर नेगेटिव में आता. राइट, तो यहां पर अब हम रिजल्ट पुश करवाने जा रहे हैं 5. ओके, यस, कैलकुलेट एंड पुश बैक द रिजल्ट. राइट, क्लियर है? आगे क्या आ गया? प्लस. लास्ट सिंबल इज प्लस. अगेन बाइनरी ऑपरेटर. पॉप ट्वाइस. अब 2 एलिमेंट रह गए, 10 और 5. दोनों को पॉप कर दिया, स्टैक हो गया एम्प्टी. 10+5 = 15. राइट,
calculate and push back the result. तो 15 को पुश किया स्टैक के अंदर, ठीक है जी। आगे कुछ नहीं रहा, क्वेश्चन खत्म हो गया। When the question is finished, write here stack empty. Write here stack empty. और यहां पर कर दो हैश and your answer is 15. This is your answer. Am I clear to everyone? Evaluation question, am I clear to everyone? How to evaluate it? Any doubt, any difficulty? Any doubt, any question? Yes, please. किसी को कोई डाउट आ रही हो? अनुष्का, लगन, दमन, अभिषेक, मनरीत, कोई डाउट? बस माइनस और डिवाइड में ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करूंगा इसके ऊपर ताकि आपकी और परफेक्शन आ जाए। ये इवैल्यूएशन की पहली कैटेगरी है। इवैल्यूएशन के अंदर दो कैटेगरीज हैं। दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ इवैल्यूएशन। ओके, सो लेट मी हैव वन मोर क्वेश्चन। आई जस्ट मेक चेंजेस ओवर हियर। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, या चलो मैं इसी को कंट्रोल प्लस से आगे कंटिन्यू कर लेता हूं। Okay, now the question is 10, 20, plus, 25, 15, minus, multiply, 30, divide. ठीक है, चलो जी। आई गिव यू 2 मिनट्स, ऑल ऑफ यू स्टार्ट सॉल्विंग इट द वे आई हैव सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन। आई हैव गिवन द न्यू इक्वेशन टू यू, सॉल्व इट। मेरे पैरेलल सॉल्व करो आप लोग। सबसे पहले आया 10, व्हाट वी विल डू, पुश इन द स्टैक। तो 10 मैंने स्टैक के अंदर पुश करवा दिया। देन आई गेट टू 20, पहले 10 था, फिर 20 आ गया, 20 स्टैक के अंदर पुश हो गया। एरो टॉप को पॉइंट कर रहा है, टॉप पे पड़ा है 20, तो एरो 20 को पॉइंट करेगा। ओके, देन कम्स प्लस, बाइनरी ऑपरेटर, पॉप ट्वाइस। जब पॉप ट्वाइस किया तो अंदर एक बार स्टैक एम्प्टी हो गया, दो ही एलिमेंट थे स्टैक के अंदर, एंड वी पॉप आउट बोथ द एलिमेंट्स टेम्पररी टाइम, स्टैक गोज एम्प्टी, वी पुट हैश, कैलकुलेट एंड पुश बैक द रिजल्ट। 10 प्लस 20 इक्वल टू 30, सो 30 आई पुश, 30 आई पुश। ओके, गॉट इट? Am I clear to all? Then is 25. Push in stack. 30 or 25? 30 pehle tha, 25 ab aaya, push in stack. Next is 15, push in stack. तो यहां पे अब क्या होगा,
30 पहले था, 25 बाद में आया, 15 अब आया, तो स्टैक के अंदर आ गया, टॉप के अंदर आ गया 15. देन इज माइनस, माइनस बाइनरी ऑपरेटर पॉप ट्वाइस, दो पॉप किए, अंदर आ गया 30 और 25 माइनस 15, रिजल्ट इज 10. कैलकुलेट एंड पुश बैक द रिजल्ट, 30 पहले था, 10 अब पुश करवाया. देन इज मल्टीप्लाई, तो ये वाला स्टेप मैं यहां से तोड़ रहा हूं. यहां आ गया मल्टीप्लाई, बाइनरी ऑपरेटर पॉप ट्वाइस, 30 और 10 दो ही एलिमेंट थे, जब 30 को पॉप, दोनों को पॉप कर दिया, स्टैक एम्प्टी हो गया. 30 × 10 = 300. कैलकुलेट एंड पुश बैक द रिजल्ट, 300 को पुश करवा दिया. क्लियर है? 300 पुश करवा दिया. उसके बाद 30, उसके बाद आया 30. तो 30 के लिए मैं यहां पर एक नई रो क्रिएट कर रहा हूं. पुश इन स्टैक, 300 पहले था, 30 बाद में आ गया. ओ गॉड, इसको मैंने कॉपी करना है एरो को. ठीक है जी, लास्ट में है डिवाइड, लास्ट में है डिवाइड, तो स्टैक खाली हो गया. ठीक है, 300 डिवाइड बाय 30 इक्वल टू 10. कैलकुलेट एंड पुश बैक द रिजल्ट, 10. फाइनली क्वेश्चन फिनिश, आगे क्वेश्चन खत्म हो गया, स्टैक एम्प्टी कर दिया, आंसर इज 10. एम आई क्लियर टू एवरीवन? Am I clear to everyone in the lecture? All right. So I have discussed two questions. Any doubt up till here? Please bata do agar hai to doubt. If any doubt to any child, please discuss it right now. डोंट सिट एंड रिलैक्स की डाउट रहने दो, कोई बात नहीं पूछना. ऑल राइट, नाउ आई एम मूविंग टू द सेकेंड कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन. The second category of question is quite different. It is true, comma false. True, comma false, comma true, comma false, comma not, comma or, comma true. Not or true, comma or, comma and. Read the question carefully, all of you. All of you, please read the question carefully. True, false. True, false, not or, true or and. चलो जी करें शुरू. सबसे पहले आया true. Push in stack.
ओहो, तो यहां पर हमने ट्रू को पुश करवा के एरो उसको पॉइंट करवा दिया, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉल्स, पुश इन स्टैक, पहले था ट्रू, अब आया फॉल्स, तो इसको हमने पॉइंट करवा दिया, ठीक है जी, क्लियर है। अब इसके नीचे मैं एक रो इंसर्ट कर रहा हूं, उसके बाद आया ट्रू, तीसरा केस था ट्रू, पुश इन स्टैक, ट्रू फॉल्स पहले था, तीसरा मैंने ट्रू पुश करवा दिया, तो एरो ट्रू को पॉइंट कर रहा है। चौथा आया फॉल्स, ठीक है, पुश इन स्टैक, ट्रू फॉल्स, ट्रू पहले था, अब मैंने फॉल्स भी इनपुट करवा लिया, तो एरो फॉल्स को पॉइंट कर रहा है, ठीक है जी। तो ये एरो, ओहो, यस, यहां तक कोई डाउट? पहले चार स्टेप में कोई डाउट? डाउट इन एनी ऑफ द फोर स्टेप्स? ऑल राइट, अब आगे नॉट। देखो, आपने 11th में एक चैप्टर किया था बुलियन अलजेब्रा, देयर यू हैव स्टडीड थ्री लॉजिक गेट्स एंड और नॉट। नॉट इज अ यूनरी ऑपरेटर और एंड दे आर बाइनरी ऑपरेटर्स। व्हाट नॉट डू, नॉट का रोल क्या है? जब भी नॉट आएगा, आप एक एक एलिमेंट पॉप करेंगे, अगर वो ट्रू है तो वो फॉल्स बन जाएगा, अगर वो फॉल्स है तो वो ट्रू बन जाएगा। नॉट, यूनरी ऑपरेटर, पॉप वंस, पॉप वंस, तो अंदर क्या रह गया? ट्रू कॉमा फॉल्स कॉमा ट्रू, ठीक है। और हमने क्या किया? नॉट ऑपरेटर फॉल्स पे चला दिया। देखो इधर सबसे टॉप पे क्या पड़ा था? फॉल्स। जब नॉट आया तो जो टॉप पे पड़ा था ऑपरेट एलिमेंट, उसको यहां पॉप करवा दिया। अब टॉप किसको पॉइंट कर रहा है? इस वाले ट्रू को। अब फॉल्स का नॉट क्या होता है? ट्रू। नॉट ऑपरेटर विल रिवर्स द ऑपरेशन, ट्रू का फॉल्स कर देगा, फॉल्स का ट्रू कर देगा, ठीक है। कैलकुलेट एंड पुश बैक द रिजल्ट। तो अब आपने क्या करना है? ये सारा कुछ कॉपी करो, यहां पेस्ट करो, और इसको भी पुश करवाओ, ट्रू को भी, ट्रू रिजल्ट को पुश करवा दिया, रिजल्ट इसको पॉइंट कर रहा है ऐसे, ठीक है। हैव यू गॉट इट व्हाट आई हैव डन अप टिल हेयर? ऑल राइट, नेक्स्ट वी हैव और गेट। अब और क्या करता है? और इज अ बाइनरी ऑपरेटर, पॉप ट्वाइस। जब पॉप ट्वाइस किया, अंदर रह गए ट्रू और फॉल्स, तो ये हमारा एरो इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। यहां लिखो ट्रू और ट्रू। और ऑपरेटर क्या कहता है?
दो एक्सप्रेशंस हैं, यू हैव टू एक्सप्रेशंस, अगर उन दोनों एक्सप्रेशंस में से एक भी एक्सप्रेशन ट्रू हो गया तो रिजल्ट ट्रू है, ठीक है। कैलकुलेट एंड पुश बैक द रिजल्ट। तो यहां पे हमने क्या कर दिया, ट्रू कॉमा फॉल्स कॉमा ट्रू, ठीक है। तो इसको मैंने रिजल्ट को पुश करवा दिया। आगे आया ट्रू, आगे आया ट्रू, पुश इन स्टैक, ट्रू कॉमा फॉल्स कॉमा ट्रू कॉमा ट्रू, तो एरो इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। आगे आया और इज अगेन बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर पॉप ट्वाइस, दो पॉप किए, अंदर क्या रह गया, ट्रू और फॉल्स। तो कौन से दो पॉप हुए, ये वाले दो पॉप हुए, ट्रू और ट्रू, ट्रू और कहता है कोई भी एक ट्रू हो गया रिजल्ट ट्रू है, तो रिजल्ट पुश करवाया ट्रू कॉमा फॉल्स कॉमा ट्रू, ओके। आगे आया और, आगे फिर और आ गया, बाइनरी ऑपरेटर पॉप ट्वाइस, अंदर रह गया ट्रू, तो इनको हमने एक फॉल्स है एक ट्रू है, एक ट्रू है ना तो रिजल्ट ट्रू है, ठीक है। कैलकुलेट एंड पुश बैक द रिजल्ट, तो अंदर हमने पुश किया, ट्रू पहले से था, ट्रू को पुश करवा दिया, ठीक है, राइट। लास्ट इज एंड, लास्ट इज एंड, एंड इज ऑल्सो बाइनरी ऑपरेटर, पॉप ट्वाइस, दो थे दोनों ही पॉप हो गए, स्टैक एम्प्टी हो गया, ठीक है, स्टैक इज एम्प्टी ना, ट्रू एंड ट्रू। एंड ऑपरेटर कहता है जब तक दोनों ट्रू ना हो रिजल्ट ट्रू नहीं होगा। कैलकुलेट एंड पुश बैक द रिजल्ट, ठीक है। तो हमने ट्रू को पुश करवा दिया, राइट। फाइनली क्वेश्चन खत्म, स्टैक एम्प्टी, आपका आंसर ट्रू है, ओके, गॉट इट ऑल ऑफ यू।